लोग यहाँ वेट करो, पापा कैब बुक करके आते हैं। मामा, मामा आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? पीहू पक्का ना आप पापा के साथ जाने चाहते हो और मेरे साथ नहीं? क्या हुआ बेटा, क्या आप मामा से प्यार नहीं करते? मामा मैं आपसे प्यार करती हूँ, आई लव यू। पर मामा मैंने इशिमा को प्रॉमिस किया है कि मैं उनके साथ जाऊंगी, उन्हें एक चांस दूंगी, तो मुझे उनके साथ जाना चाहिए ना। पर मामा मैं मामा मामा ऐसे उदास नहीं होते। आपकी मम्मा आपसे गुस्सा नहीं है, बस उन्हें आपकी याद आएगी ना, क्योंकि आपसे दूर जा रहे हैं इसलिए ऐसे बिना बात किए चले गए। But she loves you। अरे मैं मम्मा से मिलने जा सकती हूँ ना? आपको कौन रोकेगा? कोई नहीं, आप अपने मम्मा से कभी भी मिल सकते हो। पीहू आपको एक बात समझनी होगी, मैं शगुन मम्मा को आपके दिल से नहीं निकालना चाहती हूँ, मैं आपके दिल में अपने लिए थोड़ी सी जगह बनाना चाहती हूँ। घर चलेंगे? घर क्या हुँ? मैं सोच रही हूँ रमन के घर पे सब लोग क्या सोचेंगे। मैं भी यही सोच रहा हूँ, तुम्हारे बारे में, मेरे बारे में, हमारे बारे में। बढ़िया, मुझे लगता है कि एक बार जब पीयू को देखेंगे ना सब भूल जाएंगे, बाकी और कोई चीज कोई मायने नहीं रखेंगे। सबके लिए सबसे स्पेशल गिफ्ट ले जा रहे हैं। Exactly। Hey, Dr. Ishita, can I take a selfie with you? Please, please, please. What for? क्या? Thank you so much. Pleasure. इसे कुछ डाल लेना था ना? समझ नहीं आ रहा। I think उसका स्माइल करेक्शन किया होगा। खुश है। अब क्या गिरा दिया तुमने? सॉरी अप्पा। आलिया, यू एंड योर बटर फिंगर्स, हमेशा कुछ ना कुछ गिरता ही रहता है। लेकिन पता है, तुम्हें अब सारे काम ठीक से करने की आदत डालनी होगी, वरना तुम्हारी सास तुम्हें अच्छी डांट लगाएगी। राइट अप्पा, शायद आप एक चीज भूल रहे हो, जो मेरी सास है ना वो मेरी अम्मा है, उनको पता है मैं कैसी हूँ। राइट, अच्छा मेरे ख्याल से अब सब ठीक हो गया है, अच्छा लग रहा है। कितने सालों बाद इस घर में आ रहे हैं ना, फाइनली आपका भी टूर कंप्लीट हो गया, सो एक्साइटिंग नो, सो हैप्पी। लेकिन पता नहीं शगुन अभी तक आए क्यों नहीं, और मुझे एयरपोर्ट आने से मना क्यों कर दिया? डोंट वरी अप्पा, वो आ जाएंगे। मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, ये देखो मैं पीयू के लिए ये टेडी बेयर लेके आई हूँ, क्यूट हो? आई जस्ट होप उसे पसंद आए। ऑफ कोर्स अच्छा लगेगा, पसंद आएगा, इट्स ब्यूटीफुल। अच्छा आरती, वो फेवरेट पास्ता आ गया पीयू का? वेरी गुड। क्या बात है अप्पा, इतनी एक्साइटमेंट? हाँ आलिया, जैसे तुमने कहा इतने दिनों के बाद हम सब एक साथ होने वाले हैं, और इस एक साल में मैं तुम सबको बहुत मिस किया है। आई मिस यू पापा। वेलकम वेलकम शगुन, वेलकम होम, कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं हम। शगुन जी, हाउ आर यू? पीयू कहाँ है? हाँ, वेयर इज द लिटिल प्रिंसेस? जानती हो आलिया उसके लिए इतना अच्छा गिफ्ट लाई है, और मैंने उसका फेवरेट पास्ता ऑर्डर किया हुआ है। बताओ कहाँ है वो? I'm sure अप्पा, वो ना कहीं छुपी होगी, मैं इसको ढूंढ के लाती हूँ। पीहू, आलिया, पीहू मेरे साथ नहीं आई, वो रमन और इशिता के पास है। तुम लोग हमेशा से यही चाहते थे। हैप्पी? शगुन लेकिन मेरा सामान अंदर ले आना। फाइनली इसी दिन के लिए हमने इतनी मेहनत की थी ना, और हम कामयाब भी हो गए। क्या हो गया अंकल,
अपने घर जा रहा हूँ, आपके घर नहीं आ रहा हूँ। पुनर्जन्म नहीं लिया मैंने, सब घूर क्यों रहे मुझे? सबके छोड़ो ना, हमारी लाइफ है। पापा चलो ऊपर चलते, मुझे सबसे मिलना है। दादी, दादू, बुआ, अनन्या दीदी, चाचू। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। रमन, बिहू सबसे बड़ा सरप्राइज है, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा उसे यहाँ। तभी उसे यही रहने दो, मैं पहले ऊपर जाती हूँ, सब लोग को प्रिपेयर करती हूँ, फिर आप और पीहू दोनों आना। जब मैं पिंक करूंगी उसके बाद ही आना आप दोनों, ठीक है? आप ये सब मेरे लिए कर रहे हो? आपके लिए क्यों नहीं, आप पता है आप दुनिया में सबसे स्पेशल हो, मेरी बेटी हो ना, इसलिए आप सबसे बड़ा सरप्राइज हो सबके लिए। आप इसको लेके अंदर बैठ जाओ चाहो तो, मैं आपको ऊपर से मैसेज करती हूँ। बोला मत, May I come in, ma'am? Room service is here. और ये आपके लिए। अनिया, I know कि तुम मेरे लिए concerned हो and मुझे cheer up करने की कोशिश कर रहे हो, but please, मैं बहुत upset हूँ। मैं पीहू को लेकर बहुत stress में हूँ। For God's sake, leave me alone। मुझे चेयर अप करने की कोशिश मत करो। शगुन शगुन, ये सब छोड़ो, तुम यहाँ बैठो। मनी, फॉर गॉड से, ये सब छोड़ो, तुम बैठो बैठो बैठो, कम सिट सिट सिट। देखो, अब ये सारी बातें तुम अपने दिल में दबा के तो नहीं रख सकती ना? बताओ मुझे क्या हुआ, पीहू ईशु रमन के पास कैसे चली गई? शगुन, टेल मी, तुम मुझे सब कुछ बता सकते हो? देखो, पिछले 3 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि तुम ठीक से बात नहीं कर रही मुझसे फोन पे। तुम्हारा मूड ऑफ था, I could sense it. In fact, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, तुमसे मिलने, तुमसे बात करने। बताओ, बात क्या है? क्या बताऊँ मनी? मैं ऑस्ट्रेलिया में रमन और ऋषिका से मिली और फिर से उन्होंने मुझसे बीहू की कस्टडी मांगी। After all, वो ऋषिका की भी बेटी है। उसने मुझे अपनी ममता की दुहाई दी, बार बार मुझे इमोशनल ब्लैकमेल की, उन्होंने मुझे बेग किया, प्लीट किया, और मैंने डिसाइड किया कि मैं पीहू को उन्हें दे दूं। I don't know, मैं सबसे थक गई हूं। मैं उन दोनों को इस तरह तड़पते नहीं देख सकती पीहू के लिए। I don't know कि ये डिसीजन राइट था या रॉन्ग, लेकिन यू मेरी भी बेटी है, पीहू यार नहीं है। शगुन, मैं पीहू के बिना नहीं रह सकती, I'm so disturbed. शगुन, ये सही फैसला है, believe me. I understand कि तुमने बहुत बड़ा sacrifice किया है, and I'm proud of you, I really am. हाँ, मैं समझता हूँ कि मैं बहुत तकलीफ हो रही होगी, बुरा लग रहा है। अच्छा, guess what? मैं अपने सारे business trips cancel करता हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहूँगा तुम्हारे साथ, okay? मैं हूं ना, आई एम गोना मेक श्योर कि तुम अकेला फील नहीं करोगी, आई प्रॉमिस। अच्छा, अब तुम बहुत थक गई होगी तो इसलिए तुम यहाँ आराम से बैठो, एक मिनट यहाँ पे आराम से, जस्ट रिलैक्स एंड रिजुविनेट। मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खा, ठंडा हो गया। अच्छा, तुम एक काम करो, तुम ये न्यूज़पेपर पढ़ो और ये जूस पियो, मैं ये गर्म करके लाता हूँ। मनी, thanks for being there. You don't have to thank me, Shagun. Abhi aata hu. You deserve this. Adi! क्या हुआ? I'm back. अरे सदमे में क्यों खड़े हो? क्या हो गया? शिमा, हम सबको सच पता है।
ओहो, मुझे लगता है रूही ने तुम्हें सब बता दिया। मैंने मना किया था उसे। सच पता है? अच्छी बात है। एक काम करती हूँ, जाके सबसे खुद ही बात करती हूँ इस बारे में। आ जाओ आ जाओ। मैं खुद जाके बताती हूँ? क्या हो गया शिमा को, इतनी इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही है? इन माधुरी अपड़ी पढ़ना बोलो ना, क्या होगा ये सब? क्या है ये? लोग क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे? मेरी अम्मा, डोंट वरी, आप तो जानती हैं ना कि मम्मी जी और पापा जी कितने अंडरस्टैंडिंग हैं, और मम्मी जी ने कहा भी था कि वो अका के लिए बहुत खुश हैं। बोलने के लिए तो सब लोग बोलते हैं, ईशु ने ऐसा स्टेप लिया है, सबके क्या रिएक्शन होगी पता नहीं है। मुझे बहुत बेचैनी हो रही है मीका, ईशु का क्या होगा? ईशु बॉर्डर है ना। मधु, मधु, हमारी हमारी ईशु वापस आ गई है। मैंने अभी उसे देखा, भला उसमें एंटर कर रही थी, हमारी ईशु आ गई। मम्मी जी, ओए की बकवास है, क्या शोर मचा रहे हैं? मेरा सर फट रहा है दर्द के मारे। उन तो शुरू हो जाएगी की बनाओ की नहीं बनाओ, जाके सिम्मी से पूछ। अरे मम्मी जी, मैं आपको ना एक गुड न्यूज बताने और सुनाने आई हूँ। गुड वाली न्यूज? क्यों है नीलू? आओ तो सही मेरे साथ, तो बता दूं कौन आया है। चलो, कौन आया है? आओ तो सही ना, देख लो खुद चल के। आओ ना, बता ना मैंने क्या हो क्यों रहा है यार। पापा कितनी देर हो गई, इश्मा ने हमें अब तक ऊपर क्यों नहीं बुलाया? साहब, और कितना टाइम लगेगा, कब से रुके हैं हम? ज्यादा बोलेगा ना 500 के 4 नोट दूंगा तुझे, 100 देखना तरस जाएगा। बेटा लगता है तुम्हारी इश्मा ने ऊपर जाके हमको भूल गई। एक काम करते हैं, हम ही चलते, चलो संभाल के। रोमी चाचू, पीहू, रोमी चाचू, मैं ऊपर जा रही हूँ, मुझे दादी से मिलना है। संभाल के जाना। भाई आप यहाँ? क्या हो गया है बेटा, भूत नहीं हूँ, तेरा भाई हूँ। कैसा है तू? सबको हो क्या गया, सब लोग घूर क्यों रहे हैं यार? पता एक साल कैसे गुजरा है, तुम सबसे दूर, चिता से दूर, बेचारे पता नहीं अकेली रही पूरा साल, एक माँ का फर्ज निभाया। लेकिन अब सब ठीक होगा, सब खुश होगा। सब खुश होंगे। भाभी, भाभी ऊपर गई है? यहाँ है भाभी? हाँ हाँ, मुझे मैसेज करने वाली थी कि सरप्राइज है, फिर ऊपर आना। आपको नहीं लगता कि जो हो रहा है भाई ठीक नहीं हो रहा? बेटा जो हो रहा है ना, उससे ठीक कुछ हो भी नहीं सकता। It's the best thing that... भाई ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं कि जैसे इशिता भाभी कुछ गलत नहीं कर रही? I'm very very sorry. मुझे मालूम है आप लोग नाराज हो, मैंने फोन नहीं किया इतने दिनों से, एक तो मुझे करना चाहिए था, लेकिन अच्छा आप लोग भी आ गए। एक्चुअली मैं मम्मी जी पापा जी को ये बता रही थी कि नाराज ना हो, एक्चुअली आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइजेस थे, तो वो मैं खुद आप लोगों से मिल के आप लोग को बताना चाह रही थी। तो यही है वो पहला सरप्राइज कि अब से पीयू हमारे साथ रहेगी।
नीलू से अंदर कमरे में ले जाओ ना, फ्रेशन अप करवा दो, पियो, आप आराम करो अंदर जाके। चलो पियो। क्या हो गया, आप लोग खुश नहीं हो पियो के आने से? वेल, मुझे मालूम है आप लोग को पता होगा कि मेरा दूसरा सरप्राइज क्या है, मतलब, बट मैं यही आशा कर रही हूँ कि आप लोग को अच्छा लगेगा दूसरा सरप्राइज भी, और आप लोग समझेंगे कि मैंने जो किया वो क्यों किया। अब एक नई शुरुआत करेंगे हम सब हमारी जिंदगी की, और वो नई शुरुआत इसी सरप्राइज के साथ होगी। तो पापा जी, मम्मी जी, इसलिए हैरानी हो रही है। तेरी और मेरी जब बात हुई थी तब तूने कुछ कहा था ना? पापा जी, मैंने तो बस इसलिए बस क्या बोल दे, बस ये अखबार वाले तो कुछ भी छाप देते, ये खबर झूठी है, ये अखबार झूठा है, और ये आदमी का तो मैं टोटे करके कुत्तों के आगे डाल दूं। पर तेरा मैं क्या करूं इशिता, तू इस वाहियात के खातिर हमसे झूठ बोलकर ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई और अपनी नवी जिंदगी इसके साथ तो शुरू करना चाहती है। तूने ऐसा क्यों किया इशिता, ऐसा क्यों किया इशिता, बोल क्यों किया तूने ऐसा? मेरे कहने पर किया। हाय, इसने जो कुछ किया है मेरे कहने पर किया है, और मेरी बीवी को किसी को कोई सफाई नहीं दी। रमन, बेटी में तो जिस बहू को कटघरे में खड़ा करके सुना रहे हो ना, स्टार्ट का असली हकदार तो मैं हूं, क्योंकि जो कुछ किया मैंने किया। तू तय कर लो, प्यार करोगे या डांटोगे? तू की बोल रहे पुत्र? इशिता ऑस्ट्रेलिया मेरे कहने पर गई थी। विद्युत मेरा दोस्त, मेरे कहने पर हमारी मदद कर रहा था हमारी पीहू को वापस लाने। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपको किस बात की नाराजगी है। एक तरफ आप कहते हो कि आप मॉडर्न हो, आप बेटे और बहू में फर्क नहीं समझते, इसी तरह को जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। चलो गलतफहमी सही, जब वो आगे बढ़ रही है तो हिपोक्रेसी का चाटा मारे उसके मुंह पे आप। की बोल रहा है तू अपनी माँ को रमन? और तुम दोनों एक साल से जो अलग रह रहे थे उसका क्या, फिर हम की समझे, की बोले बता। माँ, वो एक साल भी ड्रामा ही था। आपको क्या लगता है कि हम दोनों कभी अलग हो सकते हैं? हमने जो कुछ किया हमारी बच्ची को वापस लाने के लिए किया। एक दूसरे को समझाया कि एक दूसरे से दूर रहेंगे तभी पीयू को भरोसा दिला पाएंगे कि वो वापस अपने परिवार में लौट जाए। लेकिन जब अलग नहीं रह सके तो ऑस्ट्रेलिया चले गए, सोचा सबकी नजर से दूर एक साथ रहेंगे। किस्मत देखो कि वहां भी शगुन पीयू को लेकर पहुंच गई। वो तो विद्युत मेरा दोस्त है जिसने हमारी मदद की, हमारे बीच की कड़ी बना। माँ, जो कुछ हमने किया है वो सिर्फ हमारी बच्ची को घर वापस लाने के लिए किया है।
आप इस बात से खुश नहीं हो कि पीयू हमेशा हमारे साथ रही? मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।